नमस्कार टेलीकशन के दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके पसंदीदा टीवी शो की ताजा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आए हैं। आज हमारे पास कुंडली भाग्य के दुनिया से एक जबरदस्त अपडेट है जी। आने वाले एपिसोड में आपको इंटेंस ड्रामा देखने को मिलेगा जो इमोशंस का रोलर कोस्टर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आने वाले कुंडली भाग्य के एपिसोड में ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है जब पलकी राजवीर को जोरदार थप्पड़ मार देती है जी। आपने बिल्कुल सही सुना, राजवीर की धोखेबाजी का पता चलने के बाद पलकी गुस्से से भर जाती है और तय करती है कि अब वो शादी नहीं करेगी। ये अप्रत्याशित मोड़ हर किसी को हैरान कर देगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये ड्रामेटिक मोमेंट आया है? तो चलिए आपको बताते हैं कि हाल ही के एपिसोड में हमने शौर्य को पर्दे के पीछे साजिश करते हुए देखा है। उसका प्लान पलकी और राजवीर के रिश्ते को तोड़ना है। शौर्य जो छुपकर पलकी से प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि पलकी और राजवीर की शादी हो, बल्कि वो खुद पलकी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। शौर्य अपने नए प्लान में राजवीर और शनाया को शराब पीने और बदहालत हालत में फंसाने की कोशिश कर देता है। इस सेटअप से एक ऐसा स्कैंडल खड़ा होता है जो पलकी और उसके परिवार को चौंका देने वाला है। जी हाँ, जब पलकी उस वीडियो को देखती है जिसमें राजीव की हरकतें दिख रही होती हैं, तो वो दिल टूटने के साथ ही उससे सामना करती है। पलकी राजवीर से जवाब मांगती है, पूछती है कि उसने उसे क्यों धोखा दिया और ऐसी बेइज्जती वाली हरकत क्यों की। राजवीर अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बहाने पलकी के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देते हैं। गुस्से में पलकी राजवीर को थप्पड़ मार देती है और इसके साथ ही उनके रिश्ते का नाटकीय अंत हो जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शौर्य इस नतीजे से बेहद खुश है। उसका प्लान पूरी तरीके से सफल हो जाता है और अब वो पलकी का दिल जीतने के लिए एक कदम और करीब पहुंच चुका है। राजवीर की असलियत को उजागर कर और पलकी के साथ उसका रिश्ता तोड़कर शौर्य सुनिश्चित करता है कि राजवीर की इज्जत धूमिल हो जाए। शौर्य का अंतिम मकसद है कि राजवीर को पूरी तरीके से अपमानित करना और पलकी को अपने पास लाना। एपिसोड के अंत में हम देखेंगे कि पलकी एक साहसी कदम उठाकर शादी तोड़ देती है और राजवीर से दूरी बना लेती है। ये फैसला सभी को, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी हैरान कर देता है। लेकिन पलकी को लगता है कि उसके पास सच जानने के बाद और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो दोस्तों, इस धमाकेदार मोड़ पर आप सभी का क्या कुछ है कहना? क्या पलकी और शौर्य की प्रेम कहानी आखिरकार साकार हो जाएगी या आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।